देखिए, ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बहुत बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ, पूरी पार्टी पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा क्या इनका स्टार प्रचारक शर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? वोट के खातिर कल बड़ा बुरा लगा था, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबकी मीटिंग हुई, क्या है 370 को हम फिर से लाएंगे। ये कानून था देश को एक करने वाला, देश को तोड़ने वाले कानून का आंदोलन करने के लिए चाइना का सहारा फारूक साहब ले रहे हैं। ये भी इनको बताना होगा कि आप किसके साथ हो। जो चाइना का साथ लेगा पूरा देश, एक एक बच्चा जान रहा है कि आज चाइना और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। आप वोट के खातिर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को, कम्युनिस्ट को, सबको बताना होगा कि देश को तोड़ने वालों के साथ हैं कि गांधी के साथ है, ये बताना होगा। इसे आपके ही सरकार के गृह मंत्री एमएस गृह मंत्री ने कहा था कि अगर इन लोगों की सरकार आ जाएगी तो कश्मीरी जो है, जो आतंकवादी है, वो यहाँ पना लेंगे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कैंडिडेट को टिकट मिला है जाले पे, जिसको उसको सिलेक्शन का चार्ज है, उमर खालिद के लिए वो कैंपेन चलाता है, वो जिन्ना मानता है, तो ये बात सही हो सकता है क्या? देखिए, नित्यानंद जी के वक्तव्य पर हाय तोबा मचा। आज ये जिन्ना का समर्थक है, ये देश तोड़क का समर्थक है, क्या ये इसको प्रूफ नहीं करता? क्या लालू जी के राज्य में यही सिमी का हेडक्वार्टर था? सिमी क्या देशभक्त था? सिमी कोई देश के बड़े संत थे और लालू जी के संरक्षण में पल फूल रहे थे कि नहीं? नित्यानंद जी के भाषण से बवाल मचा दिया गया। सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा कि वोट के खातिर बिहार के लोगों से मेरा अपील होगा कि वोट के खातिर बिहार और देश को नुकसान ना हो। ये लोग वोट के खातिर कुछ भी करने को तैयार है। आप इस बात से सहमत हैं कि वंदन जीत के आते हैं, यहां पर आतंकवादी पना लेंगे, कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे? भाई देखिए, मैं क्या होगा, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो पीछे हुआ है, हम भविष्य वक्ता तो नहीं हैं, लेकिन रोपे बबुल तो आम कहां से हो। जब आतंकवादी का समर्थक जिन्ना का समर्थक को टिकट दे रहे हैं, जब लालू जी के राज में सिमी का हेडक्वार्टर यहां बन सकता है, तो इनके मानने वाले लोग क्या करेंगे? जब कश्मीर के अंदर में फारूक के साथ मिलकर के जो चाइना के समर्थन से 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ मिलकर आंदोलन करने की बात कह रहा हो, तो हम कौन सा चित्र देखें जिस चित्र में देखे कि बिहार देश एक स्वर्णिम अवसर में आने वाला है।